तब सर्विसिंग पे तो जाती है तो इनके निकाल दें हम। सभी जन के जय माता दी, हर हर महादेव। एक बार फिर से हमारे भोजपुरी परिवार का स्वागत है परदेसिया के रंग पे। आज हुआ शनिचर, मतलब हमारे ऑफिस का छुट्टी, और आज हम जाते अपने गबरू के 15,000 वाले किलोमीटर के सर्विसिंग के। जो गबरू का कट ऑफ हो जाता ना फर्स्ट गियर में ट्रैफिक में, वो थोड़ा सा कंसर्न करे वाला प्रॉब्लम हो गया हमके। वो कंसर्निंग प्रॉब्लम ये बदले हुआ, कैसे देखा ऑफिस जात कर हमके उतना दिक्कत ना हो ले, लेकिन रिटर्न आवे में इतनी ट्रैफिक रह लेना कि कम से कम 2-3 बार एकर बिजली कट ऑफ हो जाए फर्स्ट गियर में। अब यहाँ से वर्ली समझ ला 1 घंटा का ट्रिप हुआ, पेट्रोल कम है, अभी जाके पहले पेट्रोल भरा ले। अब मजा की बात यह है कि जहाँ मानपाड़ा में पेट्रोल भरी ला, वो पेट्रोल पंप पे एक वर्कर हुआ जेकर नाम है रूपेश, और रूपेश हमारे गाँव का पड़ोसी हुआ उन्होंने घर मैनाजपुर के पास है। पेट्रोल भरने वाले की संख्या तो बहुत ज़्यादा लग रही है ना, पेट्रोल पंप पे 100% प्रेशर का काम होला। मतलब कोनो भी सर्विस इंडस्ट्री रहो में तो प्रेशर 100% रहा करेला, कैसे हर एक कस्टमर के सेम एनर्जी के साथ देखेगा। रुपेश भर दा 8 लीटर, 8 तो ये हुआ रुपेश। रुपेश कैमरा चालू कर लें, आज तो के कैप्चर कर रहे थे हम। हाँ तो मैनाजपुर से जितना आदमी देखा तू अगर चिन्हत होगा तो चिन्ह जाइए इनके। चला थैंक यू रुपेश, भर देते हम। तो हम जनरली ऑफिस जाएला तो सवेरे सवेरे भरवाईला इनकर यहाँ से पेट्रोल, तो चूंकि अपने गाँव वाला हूँ तो फिर दो भाषा तो नहीं, भोजपुरी में हाय हेलो जय रम्मी हो जाला। फर्स्ट लेन में रह के लेफ्ट इंडिकेटर दिखा के बीच में चलना, इट नीड्स अ लॉट ऑफ टैलेंट ब्रो। थाने वाला ब्रिज मस्त लगेला ना, 2-3 ब्रिज एक लाइन में। इंडिकेटर नहीं देंगे लेकिन जब जाएंगे। हमके एक बात समझ में ना आवे, स्टेयरिंग है ना खाली ऐसे करे के पड़ेला लेफ्ट इंडिकेटर बदे। गुटका खाए में जितनी ऊर्जा लगत हुई ना चबाए बदे, उसका 0.0001% एनर्जी जाएगी आपकी सिर्फ ये करने में। अगर सभी बुद्धिमान बन जाएंगे तो सब लोग राजा नहीं बन सकते ना, इसलिए भगवान ने लग रहा बुद्धिमानी बांट के दी हुए। क्योंकि इसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्वार्थ दिखता है ना, कि आप अगर समझो एक लेन में हो, आपको दूसरे लेन में जाना है तो आप दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे हो, इसलिए आप इंडिकेटर नहीं दे रहे हो, तो वो स्वार्थ हुआ, वो भी एक पाप है। गर्मी का सीज़न आ गया ना, अब नीरा बहुत लोग की आप लोगों के हाईवे पे, तो अगर आप लोग यात्रा कर रहे हो डिहाइड्रेशन थोड़ा सा भी फील हो तो बिंदास नीरा पिया करो, बहुत अच्छा कुदरती दवाई हुई। हाँ लेकिन ये है कि कॉम्पिटिशन में अगर 3 नीरा सटल लोग तब थोड़ा सा उकरे क्वालिटी पे डाउट आ जाला। एप्पल ने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर निकाला है भाइयों और बहनों, ये देखिए बड़ा ही सुंदर सा इलेक्ट्रिक स्कूटर है एप्पल का। बस खाली एक ही प्रॉब्लम है कि उसका राइट इंडिकेटर हमेशा जलते रहता है, वरना स्कूटर तो बड़ा मस्त दिखा देखने में। और ये एप्पल का जो इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखाया उसका राइट इंडिकेटर अब तक जल रहा है। मुझे लग रहा है राइट इंडिकेटर नहीं है, वो ये है कि ताकि गाड़ियों को पता चले कि आगे पीछे कोई गाड़ी जा रही है, तो इट्स अ सेफ्टी फीचर ऑफ एप्पल स्कूटर आई फील। फ्लाइट से अगर आप लोग मुंबई आई बा तो यह ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे लोकल है 4 बिल्डिंग के पास। और वैसे तो रॉयल एनफील्ड जो हुआ 3 घंटा का टर्न अराउंड टाइम बतावेला, तो पहुंच के वहाँ की परिस्थिति देखल जाए कि कितनी बाइक है लाइन में। मुश्किल रास्तों में भी आसान सफर लगता है, ये मेरी माँ की दुआ ऑन का असर लगता है भाई। माँ की दुआ ऑफ हो जाएगी अगर ऐसे बकलोल की तरह गाड़ी चलाओगे तो। वैसे इलेक्शन सीजन भी आ गया है, देखा यहाँ पे हम कोनो पर्टिकुलर पार्टी के प्रमोट ना कर रहे थे, लेकिन इतना जरूर कहूँ कि अगर आपके वोट का अधिकार मिला ला तो वोट देवे जरूर जा। और आप ये तो बोल ही नहीं सकते हो कि मैं तो किसी को वोट नहीं दूंगा, क्योंकि कोई तो एक चाहिए ना देश चलाने वाला। सो मुंबई में ये एकमात्र ऐसा फ्लाईओवर हुआ ना जहाँ हमके लेन डिसिप्लिन लौकेला गड़ियन में, कि येलो पट्टी के इस साइड ना हम जाए ना वहाँ से क्यों आई। अब हम एंटर कर रहे थे साउथ बॉम्बे में, अब यहाँ फ्लाईओवर पे बड़ा कन्फ्यूजन बोला यार हमके कि ये वाला एग्जिट मारे के कि आगे वाला। ये वो दादर का फ्लाईओवर शायद हमके शायद से करे आगे वाला एग्जिट मारे गया। अब गर्मी इतनी है कि रुक के मैप भी चेक करे का हिम्मत ना। अब इसे जहाँ तक अच्छा कि ये हुई कैसे यहाँ KEM हॉस्पिटल का रास्ता देखा हुआ था, करेक्ट टर्न लिए ले है आपुन, यही चे वो टर्निंग। भोजपुरी समझते हो ना? हाँ तो भोजपुरिया में बनाते हैं हम। क्या नाम है तुम्हारा? गोलू। मुंबई का दूसरा रूप।
टर्निंग पे एक थिएटर रहल, बहुत पुरान एक लैंडमार्क रहल समझ ला, दिखाई वाला थिएटर। एक हालत देखा का हो गया, दीपक दीपक थिएटर। क्यों दिक्कत होती है इंडिकेटर देने में लोगों को? तो मुंबई में पहले मिल्स बहुत चला ना, कि हमारा नहीं लोअर परेल में कमला मिल्स कंपाउंड के पास। तक 10:30 बजे निकलल रहनी है, इस समय बजा था 12 और ही हम पहुंच गए नहीं। मिस्टर शिवा व्हाट्स अप? मैं जा रहा हूँ वापस। दूर से आ गया तो गाड़ी छोड़ दो, तो मंडे लेके आ गया। अब उसका भी क्या दोष है बेचारे का, 70 गाड़ियाँ लाइंड अप थी, उतना गाड़ी में अगर ले लिए तो घाई घाई में काम करी है। खैर चला जाए तब क्या करब। हम तो सोची ला कि चला ये बिल्डिंग को देख के ऐसे मन में आवे ला कि एकदम प्राइम जगह पे बिल्डिंग रही, लेकिन इन बिल्डिंगों में शांति कब मिलती होगी बेचारों को। नहीं कहना बाइक खाली ये बजे ना जमेला, कैसे वो लोगों के गोड़ वाला गियर ना लो कहला। तो अगर आपको ऐसा तकलीफ हो तो शीशे को ऐसे घुमा लिया कीजिए, ताकि आपके लौके की गियर कहाँ है चेंज करत का। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कितना बढ़िया रहल ने देख के, ब्राइट मीडिया को एडवर्टाइजिंग स्पेस खाली रहल तो वहाँ वो लोग शिव पार्वती का फोटो लगूले रहना अपने प्रचार के साथ साथ। देखा मारुति 800 कितनी वर्षाची है? 12 अली मस्त ठेवला है। 12 साल पुरानी गाड़ी रहल मारुति 800, कितना प्यारी लग रही थी ना। गजब मजा आ गया। बिना शब्द का कम्युनिकेशन देखा ऐसे होला, हमके वो बाइक का परफॉर्मेंस देखा के रहल, हम खाली उनके इशारा करने की जरा निकाल के दिखावा, झुप करके गायब कहीं ना। हाय कॉफी।